दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सभी आए हो, सब बढ़िया होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। पिछले संडे को भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी मैं मतलब अपनी कुलज माता जो है वहाँ पे जा रहे हैं हम। मेरे साथ आज गौरव भी है और यहाँ पे हमने मतलब सामान लेके चले हम। पाइप भी है वहाँ पे, थोड़ी साफ सफाई करनी है। तो वहाँ पे आज पूरा दिन हम साफ सफाई करने वाले हैं, अच्छे से चमकाने वाले हैं मंदिर को। तो चलिए अब चलते हैं अपने कुलज माता में और बताते हैं आपको कैसे हम काम करते हैं आज। तो लेट्स गो। तो गाइस यहाँ पे पहुँच चुके और अभी पाइप लगाई है और अभी अंदर साफ सफाई चली हुई है। आपको दिखाते हैं अपनी कुलज माता। हमारी कुलज माता जो यहाँ पे अभी हम साफ सफाई करेंगे। तो अभी ऊपर भी साफ सफाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम सफाई कर दिए, आप देख सकते हैं एकदम चकाचक और अब सुंदर लग रहा है फर्श, मतलब चमक रहा है अब। और देख सकते हैं आप चाचा पापा सारे लगे हुए हैं। ये पूरा किया है हमने और पूरा साफ कर दिया, चमक रहा है अब। और बाहर अभी लगे हुए हैं, बताता हूँ। साफ सफाई हो रही है। काफी सुंदर लग रहा अब। ये मनी प्लांट है हमने लगाया हुआ है और ये तुलसी का पौधा और वो भी मनी प्लांट है, वो भी तुलसी। यहाँ पे घास वास बड़ा था तो वो भी साफ किया। और ये पुराने घर हैं यहाँ पे, देख जैसे मैंने बताया हुआ है आपको, अगर देखा है किसी ने वो ब्लॉग। और ये देखो पुराने घर हैं अभी भी। और यहाँ पे आपको जैसे कि किसी को पता होगा अगर वो देखता होगा मेरे ब्लॉग, तो यहाँ पे हमारा पुराना घर था इसकी जगह।
जहाँ हमारे परदादा रहते थे। तो दादा का मेरा जो मेरे दादा हैं उनका जन्म भी इधर हुआ है, देख सकते हैं आप। बहुत अच्छा लग रहा है। गौरव कैसा लग रहा है काम करके? अच्छा लग रहा है। थक गया? हाँ जी। और मैं भी थक चुका हूँ और पापा चाचा सारे लगे हुए हैं। तो हम चार जने थे तो पूरी साफ सफाई की है और थोड़ी देर में बस हमने मतलब काम सारा ख़त्म कर दिया है साफ सफाई। और थोड़ी देर के बाद हम घर जाने वाले हैं। और यहाँ से थोड़ा सा व्यू चेक करो आप, यहाँ पे नाला है और ये ऊपर पहाड़। ये देखो यहाँ पे ना टूटे टूटे घर हैं मतलब पत्थरों के। तो यहाँ पे मतलब अभी तो ये टूट गए ना, यहाँ पे रहते थे जो हमारे परदादा थे जो भी उनके भाई वगैरह, तो यहाँ पे रहते थे वो। देखो अब वो आगे भी है तो अभी तो टूट टूट फूट गए हैं, बस एक ही रहा है। यहाँ पे मकड़ी के जाले हैं वो साफ करने पड़ेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे मेले लगाने की सोच रहे हैं अगले साल तक। हम एक ग्रुप बनाएंगे मतलब उस पे सारे इकट्ठा होएंगे और मेंबर बन के यहाँ पे मतलब जो हमारा हम कुछ करने वाले हैं यहाँ पे, कुछ नया करने वाले हैं नई सोच के साथ। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी मतलब मेले वगैरह लगाने की सोच रहे हैं, थोड़ी सी मतलब गेम्स वगैरह भी करवा देंगे। तो माता के नाम से हम मेले भी लगाने वाले हैं। ये जो जिस पे धूप वगैरह लगाते हैं उसको साफ कर रहे हैं और अभी देखते हैं कैसे साफ करते हैं घास वगैरह से। बाकी तेल वाली चीज़ें और थालियां ऐसे। A few moments later. तो अभी शाम हो चुकी है और मतलब हम उसके बाद घर चले गए थे तो खाना खा के और रेस्ट वगैरह करके। तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ना ये जो थी दरीशी मतलब बैठने के लिए जो होते हैं ये, इन्हें बाहर रखा था हमने सुखाने के लिए तो इन्हें भी अंदर रखा है। और ये पौधे इन्हें भी बाहर रखा था तो ये भी अंदर ले रखे हैं अभी। और अब काफ़ी अच्छा लग रहा है धो के। और यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया है इसको उठा देते हैं। और अपने साथ गौरव भी आए हुए हैं आज शाम के टाइम में। मैं वैसे शाम के टाइम में रोज़ आता रहता हूँ यहाँ पे। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालता हूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो यहीं पे करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।